ज़ियारत करेंगे जन्नतुल मौला की। यहाँ पे खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार है, कमोबेश 10,000 सहाबा कराम के मज़ार हैं। अभी हम ज़ियारत करेंगे जन्नतुल मौला की, अभी हम ज़ियारत करेंगे जन्नतुल मौला की। यहाँ पे खदीजा रज़ी का मज़ार है, कमोबेश 10,000 सहाबा कराम के मज़ार हैं। सीधियात की तरफ देखें, राइट साइड में देखें, जंगल नजर आ रहा है, जंगल के अंदर छोटे छोटे पत्थर नजर आ रही है, सहाबा कराम के मज़ार हैं। सीधियात की तरफ देखें, राइट साइड में देखें, जंगला देखें, जंगल के अंदर छोटे छोटे पत्थर नजर आ रही है, सहाबा कराम के मज़ार हैं। सलातु वस्सलामु अलैका उम्मतुल मोमिनीन, सलातु वस्सलामु अलैका सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सीधियात की तरफ देखें, राइट साइड में देखें, ये जंगल नजर आ रहे हैं, जंगल के अंदर छोटे छोटे पत्थर नजर आ रही है, सहाबा कराम के मज़ार हैं। नहीं नहीं, सलातु वस्सलाम, मर्द हजरात इनके अंदर जाना चाहें, असर के बाद इनका गेट खुलता है, अंदर से जाके करीब से जाके खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार की ज़ियारत कर सकते हैं। मर्द हजरात इनके अंदर जाना चाहें, असर के बाद इनका गेट खुलता है। अभी हम ज़ियारत करेंगे मस्जिद जिन की, जिन्हों ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ पे जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन के मुसलमान हो गए। ये आपके सीधे हाथ में देखिए, मजीद जिन है साहब, मजीद जिन। राइट साइड पर देखें, सिद्धियात की तरफ देखें, एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही, मस्जिद जिन, जिन्हों ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ पे जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिलावत सुन के मुसलमान हो गए। राइट साइड पर देखें, सिद्धियात की तरफ देखें, मस्जिद जिन, जिन्हों ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ पे आगे से देखते रहे, सामने की तरफ देखते रहे, एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही, मस्जिद फतह जमा मुकरमा फतह होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे झंडा लगाया था, झंडे वाली जगह मस्जिद बनेगी, इस मस्जिद का नाम फतह। झंडे को अरबी में राय कहते हैं, इस मस्जिद को राय कहते हैं और फतह भी कहते हैं, मस्जिद फतह। सामने की तरफ देखते रहे, राइट साइड भी देखते रहे, एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही, मस्जिद फतह जमा मुकरमा फतह होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे झंडा लगाया था, झंडे वाली जगह मस्जिद बन गई, इस मस्जिद का नाम फतह। राइट साइड को देखें, सीधे हाथ की तरफ देखें, मस्जिद फतह देखें, एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही, मस्जिद फतह। उल्टे हाथ की तरफ देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही, मस्जिद शजर। उल्टे हाथ की तरफ देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, एक मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही, मस्जिद शजर। दरख्त को अरबी में शजर कहते हैं, दरख्त वाली जगह मस्जिद बन गई, इस मस्जिद का नाम है शजर। यहाँ पे एक दरख्त हुआ करता था, एक अरबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको मौजजा दिखाई, ये दरख्त आपके पास चल के मैं मुसलमान हो जाएगा। दरख्त जमीन से चल के आया, वो अरब ये देखे मुसलमान हो गया, दरख्त वाली जगह मस्जिद बन गई, इस मस्जिद का नाम है शजर। दरख्त को अरबी में शजर कहते हैं, दरख्त वाली जगह मस्जिद बन गई, इस मस्जिद का नाम है शजर। सब तवज्जो फरमाएं, सीधे आपकी तरफ देखें,
सफेद कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके साथ सीमेंट कलर की दीवार नजर आ रही है। ये जबले अबू कुबैस पहाड़ है, सीधी आपकी तरफ देखें, राइट साइड में देखें, सफेद कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है, पहाड़ के ऊपर सीमेंट कलर की दीवार नजर आ रही है। ये जबले अबू कुबैस पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर खड़े के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया। इसी पहाड़ के ऊपर खड़े के चांद के दो टुकड़े किए। इसी पहाड़ के ऊपर अबू जहल अपनी मुट्ठी के अंदर कंकर लेके आया, कंकर कलमा पढ़ने लगी। अबू जहल ये मुर्जा देखे फिर भी मुसलमान नहीं हुआ। हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम वाला पत्थर इसी जबल अबू कुबैस पहाड़ के बना दिलवाता। वाखरु तअमाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो आपने ज्यारतें की हैं ये पैकेज में, इसके अलावा ज्यारत करना चाहे, तैफ की ज्यारत करना चाहे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद, मस्जिद रसूल, मस्जिद अली, उतबा शिबा कबाब, चार ज्यारतें बड़ी मिकात से राम मदवा के वाका लेके आते हैं। तो तैफ के अंदर चार ज्यारतें बड़ी मिकात से राम मदवा के वाका लेके आते हैं, जैसे अपने मुल्क से आते हैं बड़ी मिकात आती है, सेम तैफ के अंदर बड़ी मिकात है। तो मस्जिद ऐशा चले जाए, मस्जिद झुराना चले जाए, राम ना बांधे कोई मसला नहीं, ये छोटी मिकात है, तैफ के अंदर बड़ी मिकात है। अगर वहां पे जाना चाहे ज्यारतों के लिए, वापसी पे इहराम लाजमी बांधना पड़ेगा, तो वो बड़ा उमरा है, जैसे अपने मुल्क से आते हैं सेम उमरा है। तो जो जाना चाहे कल सुबह 7-8 बजे गाड़ी जाएगी, 7:30 बजे तैफ की ज्यारतों के लिए 30 रियाल एक आदमी का खर्चा है, आना जाना 100 किलोमीटर है, जाना जाना 100 किलोमीटर आना। सुबह 7-7:30 बजे लेके जाते हैं, वापसी 2 बजे वापस आते हैं। तो अगर जाना चाहें अपन मशवरा करके शाम को बता दीजिए। तो आपके जो बूफिया वाला नवाब उनको आप लिखवा दीजिएगा, तो कल सुबह लेके जाऊंगा, वो मुझे शाम को बता देगा, कल सुबह लेके जाऊंगा। आपका जो बूफिया वाला नवाब है लड़का, उसको आप लिखवा दीजिएगा। जिसने तेल लिया, तेल का तरीका समझ लें, दूध गर्म करके उनके अंदर दो तमाम आगे सामान जब उतरेंगे आप गाड़ी से, तो अपने अपने सामान की हिफाजत करिए, कोई सामान मत भूलिए। और हमारे असगर भाई जो सामान देते रिजनेबल लीजिए, होटल पे भी ले सकते हैं, होटल पे भी आते हैं। और जो तैफ जाना चाह रहे आपकी मर्जी तैफ जाइए, इंशाल्लाह ताला अभी होटल पे गाड़ी रुकेंगी, आप लोग उतरिए, नमाज पढ़ लीजिए या खाना खा लेके नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है, खाना रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला हाजी साहबान जुमेरात के दिन 26 तारीख के दिन मदीने शरीफ रवानगी है, दिन में 2 बजे है। तो आप लोग से गुजारिश है तमाम हाजी साहबान, इंशाल्लाह ताला जुमेरात के दिन मदीने शरीफ निकलना है, और वहाँ के लिए वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आपको ऐप बता के जाना है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए परमिशन निकाल लिया हूँ, लेटर निकाल लिया हूँ, तो लेडीज को मैं लेके जाऊंगा जुमे के दिन 27 तारीख के दिन जुमा 6:30 बजे, पूरे लेडीज को लेके जाऊंगा, साथ में नंबर लेके जाऊंगा, रियाज जन्ना में नमाज पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो जेंट्स हजरात है उनको 28 तारीख के दिन दिन में असर की नमाज के बाद लेके जाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आजी साहबान, तो जब आप गाड़ी से उतरेंगे, भारतीय रक्षा पे बार बार ऐलान कर रहे, कोई चीज मत बोलिए, कोई भी चीज है आप निकाल लीजिए, और इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जी।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये राइट साइड में छोटा हॉस्पिटल है नवाजी साहबान, जो दवा के लिए वीजे की कॉपी बताए थे फ्री में देते हैं। ये छोटा राइट साइड में हॉस्पिटल है, देखिए। सब सब